रैप नहीं पसंद बड़ी बात नहीं, इट्स ओके मेरी कैप नहीं पसंद बड़ी बात नहीं, इट्स ओके तुम्हें रैप नहीं पसंद मुझे तुम नहीं पसंद, तुम्हें रैप है पसंद मुझे तुम हो पसंद, सीधी बात सोच लो फिर से एक बार। What's up guys, hi my name is Sahil and we are back again into this game and you guys are watching what you guys are watching, you guys are watching Professional Magnet. So Chen ke fans must be happy, rona mat ma Chen ke ka gana and iske baad rohani ilaaj bhi hai aur bhi bahut bro actually I've got like 7-8 ऐसे गाने हैं जिनके रोज के मुझे कम से कम 15 से लेके 20 मैसेजेस आते ही आते हैं ब्रो, एंड दैट इज क्रेजी ब्रो। चैन के फैंस आर रियली क्रेजी। सो अभी मैं ये कर रहा हूँ रोना मत मां, इसके बाद हम करेंगे रूहानी इलाज और फिर ऐसे ऐसे सीरियल ऑर्डर में चलते रहेंगे गाइज। बाकी देखेंगे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जिस कॉमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे हम वो वाला सॉन्ग उठा लेंगे नेक्स्ट में। सो चैन के रोना मत मां उर्दू रैप। सो मुझे इस गाने के बारे में सिर्फ इतना पता है, थोड़ा सा इसके थंबनेल से देखा मैं, इंडिया पाकिस्तान के फ्लैग्स थे बीच में चैन के खड़ा था, एंड मुझे कमेंट्स में भी जो लोगों ने बताया थोड़ा वो बताया कि इट्स अ स्टोरी ऑफ टेररिज्म कश्मीर, हिंदू एंड मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वो नॉर्थ साइड का हिस्सा है कश्मीर एंड वो वाला, तो उस साइड की थोड़ी सी स्टोरी है। मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताया गया। और यहाँ पे वीडियो में ही इज ऑलरेडी ट्रोलिंग ब्रो। चैन के इज अ वेरी बोल्ड आर्टिस्ट एंड ही इज ऑलरेडी ट्रोलिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है द पेड डिबेट, द पेड डिबेट, और ये कॉपी हो रही है अर्नब गोस्वामी की। तो यहाँ पे लिखा है अर्नब सच्चा नहीं, और ऊपर चैनल का नाम लिखा है झूठ टीवी। ओ माय गॉड, सो ही चैन के का मुझे ऑलरेडी पता है कि वो ट्रोल करेगा पूरे गाने में। सो लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और ये गाना 5.5 मिनट का है, 5 मिनट 15 सेकंड का है, तो इसमें ये गाना नहीं है यार, ये मूवी है। तो इसमें पहले आई थिंक सो स्किट होगी या कुछ होगा, उसके बाद जाके एक्चुअली में गाना एंड वर्ड शुरू होगा। सो लेट्स चेक इट आउट, let me get it in a big screen, let's turn on the magnetic field and attract all the bards, all the facts, and jo bhi new viewer hai is video ko dekh raha hai, go hit the subscribe button, that's how we do, we promote real lyricism, real hip hop on this channel. So if you are a fan of real bards and real hip hop, you need to subscribe to this channel. So 1 2 3 let's go. Pakistan is a terrorist nation, Pakistan ek dehshatgard mulk hai. जिसने मेरा रिएक्शन चैन के को भेजा था भाई, दिस इज यू, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक सो ये बंदा वही है जिसने मेरा रिएक्शन चैन के को भेजा था। चैन के ने लिखा था ना कि दिस गाय सेंट मी दिस रिएक्शन, जब इमरान खान जो है वो टेररिज्म के क्या प्रो पाकिस्तान भाई इनके पाकिस्तान का रैपर है, इंडिया में सबसे ज्यादा फैन है उसके, वही पाकिस्तानी रैपर जो इस्लाम और मजहब के नाम पे पैसे कमाते हैं, इस्लाम के नाम पे कमाते हैं। एक चीज मैंने इसमें इस किट में देखी है, एसकेडी ने बोला भाई इमरान खान तो खुद टेररिज्म के खिलाफ है, तो ही इज लाइक पाकिस्तान वो उस पे इल्जाम लगाने लग गया कि तू भी पाकिस्तान से है। ओह माय गॉड, दिस इज लो की फैक्ट ब्रो, लाइक थोड़ी सी मैं नहीं बोलता यार, पर लेकिन सबकी नहीं है, कुछ लोगों की थोड़ी सी मेंटेलिटी ये है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान के आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान के फेवर में कुछ बात बोल रहा है, तो दे कंसीडर हिम लाइक लिटिल बिट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट कम्युनिटी। नो ब्रो, ऐसा नहीं, लोग मुझे बोलते हैं यार, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रो। क्या यार, जो इस्लाम और मजहब के नाम पे पैसे कमाते हैं, इस्लाम के नाम पे कमाने ज्यादा अगर वो लड़कियों को सेक्सुअलाइज करे और पार्टी पे ट्रैक्स बनाए उसमें तो ज्यादा पैसे। हाथ नीचे रखने सनी, यू आर रॉन्ग। चैन के पाकिस्तान और हिंदुस्तानियों को लड़वाना चाहता है, वो तो अभी कश्मीर। चैन के घटिया दोगला और हिपोक्रेट इंसान है, ये वही रैपर है जो इस्लाम को कुरान को म्यूजिक में मिलाता है, ये वही रैपर है जो हिंदुस्तानियों से नफरत करता है, ये वही रैपर है जिसके बाजुओं पे टैटूज है, ये वही रैपर है। टैटू से क्या होता है, काली कलूटी, टांगों पे बाल, जंगल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस लड़की गाना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस सनी, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज दिस नॉनसेंस।
आइए चुप करा यार न्यूज। ओह माय गॉड दिस इज फैक्ट्स ब्रो। चुप करा दिया उन दोनों को यार, वो डिबेट करने आए थे उन दोनों को चुप करा दिया। ऐसे ही हो रहा है यार धक्के से ना यार। ओह माय गॉड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस बट आई गेट द पॉइंट। पॉइंट अक्रॉस हो गया जो उसने रखने की कोशिश करी है। लेट्स गेट टू द सॉन्ग। हम जनता को चैनके का असली चेहरा दिखाते हैं, चैनके की असलियत दिखाते हैं। ओके स्कल वाली अंगूठी पहनी हुई भाई। अच्छा इस तरफ इंडिया उस तरफ पाकिस्तान। ओके पड़े पीछे इस फकीर के भाई नादिर गाने बना दे तू कश्मीर पे क्यों? क्या तुम लोगों के मर गए जमीर ये क्यों नादिर हीरोए क्यों हुए जलील ये और तुम ब्रो क्यों कि ओह माय गॉड ही टॉक योर शिट ब्रो। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि मैं क्यों, मेरी क्या जिम्मेदारी है इसमें, व्हाई मी ब्रो, मैं क्यों जलील हूं, क्यों नादिर क्यों। ओह माय गॉड तुम लोगों के जमीर मर गए हैं क्या, तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ओह शिट यस सर यस सर चेनके टॉक योर शिट ब्रो। रोए क्यों हुए जलील ये मैं और तुम करें जितनी तहकीक ये अपनी बंदियों की नंगी तस्वीर पे उससे कम भी करोगे तहकीक तो बे सच खड़ा सामने नंगा भी जमीर ये अमीर। वो वर्ड प्ले एंड बार्स जितना हम दोनों अपनी बंदियों के न्यूड्स पे आई थिंक सो नज़र डालते हैं, ध्यान देते हैं या रिसर्च करते हैं, उसका यही मतलब होगा वर्ड का। अगर उतना ध्यान हम सच पे देंगे तो सच तो पड़ा है नंगा जम यार। द वर्ड प्ले व्हाट डिड ही सेड क्यों हुए जलील ये मैं और तुम करें जितनी तहकीक ये अपनी बंदियों की नंगी तस्वीर पे उससे कम भी करोगे तहकीक तो बे सच खड़ा सामने नंगा भी जमीर ये अमीर या गरीब हमें दिखता नहीं सियासतदान कोई भी फरिश्ता नहीं कोई भी मुल्क से किसी मुल्क का रिश्ता नहीं यार करोड़ों में बिकता भी दिखता नहीं। ओह कोई भी मुल्क से किसी मुल्क का रिश्ता नहीं हथियार करोड़ों में बिकता। ओह माय गॉड यार रियल टॉक ब्रो। करोड़ों में बिकता भी दिखता नहीं ये खेल सारा पैसों का देख जाके मंजर चारों जंगों का एक जैसा सावला सा रंग कालों का एक जैसा रोग था शहीदों की माओ का मायरों वो एक जैसा रंग है जवानों का एक जैसा ही माँ तो एक ही है ना दोनों जवानों की माँ तो एक ही एक जैसा उसका दिल है माँ का एक जैसा। ओह माय गॉड यार ही सेड सो मेनी फैक्ट्स राइट देयर। ही सेड चार जंगों का हाल देख जाके पहले क्या हुआ ब्रो। इसने पहले भी अपने गानों में बताया आई थिंक सो इसने ये कौन सा गाना था वो जो चैन के एंड YS की कोलेबोरेशन थी ना क्या नाम था जंग वंग। तो जंग वंग में किसी के बार्स थे आई थिंक सो तला अंजुम के आई थिंक सो चैन के ही बार्स थे कि जंग जंग करते हो जंग का हाल देख लो पहले कि जंग में होता क्या है। ओह माय गॉड ब्रो आई डोंट नो किसके बार्स थे बट पर्टिकुलरली ऐसे बार्स थे किसी के आई थिंक सो चैन के थे या फिर अंजुम के तो नहीं थे चैन एंड यूनुस में से किसी के एक किसी एक बंदे के वो बार्स थे ब्रो। दिस इज फैक्ट्स यार। करोड़ों में बिकता भी दिखता नहीं ये खेल सारा पैसों का देख जाके मंजर। सॉरी फॉर पॉजिंग बट ब्रो यार दो देशों को लड़ा के करोड़ों में हथियार बेच दो खेल सारा पैसों का। ही इज डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट अमेरिका। अमेरिका दोनों कंट्रीज को वेपन सप्लाई करता है, हम हमारे इंडिया को भी आपके पाकिस्तान को भी एंड हम दोनों को लड़ा के हु इज गेटिंग द बेनिफिट अमेरिका ब्रो। मैन चैन के को ना अपना न्यूज चैनल खोलना चाहिए। पैसों का देख जाके मंजर चारों जंगों का एक जैसा सावला सा रंग कालों का एक जैसा रोग था शहीदों की माओ का मायरों औरतें जवान बेबाप बूढ़े बाप से जंग छीने जवान बेटा पढ़ी लिखी दूसरे को गालियां दे वाह कि कौन सी जंग ने दिया बाप जीता तबा दोनों मुल्क मेरी नजर में दोनों मुल्कों की कुर्बानियां गटर में गालियां दिया जब भी हम दोनों लड़ते गैर मुल्क अरबों में जेबें फैक्ट्स अगेन ही स्पोक ऑन दैट फैक्ट्स ब्रो। जब हम दोनों मुल्क एक दूसरे को गालियां दे पहली बात हो ही सेड कि सबकी कुर्बानियां गटर में क्योंकि आज भी कुछ चेंज नहीं हुआ मेंटेलिटी इज स्टिल द सेम ब्रो। एंड ही सेड कि वो कुर्बानियां सारियां गटर में बाय दैट ही मीन्स कि वो सारी कुर्बानियां वेस्ट होगी क्योंकि हालात तो बदले ली ना सोच तो बदले ली ना आज़ाद तो तुम फिर भी नहीं हुए ना। एंड एट द सेम टाइम ही सेड कि हम जब एक दूसरे को गालियां दे तो जेबें भरे अरबों की।
ओह माय गॉड, अरबों मतलब नॉट अरब कंट्रीज, अरबों मतलब अमाउंट, पैसा, अरब, अरबों में पैसा, अरबों में उनकी जेबें भरे, मिलियंस ऑफ बिलियंस में जेबें भरे, जेबें भरते कर बे सच तो फूल ना मेरा काम है, बाप पे आदम बात का इल्जाम है, बाप ये हिंद का रिश्ता हराम है, जब तक अरिंदब जैसों की जबान, और क्या है ना कि मेरी मौत करीब है, पर मौत का डर नहीं, वो रब में लिखती है, पर तू किस बात यार, ओ गॉड यार, मैं आई फेल्ट दैट लाइन ब्रो, मेरी मौत मेरे करीब है पर मौत का डर नहीं, वो तो रब ने लिख दी है. ओ माय गॉड, ही एंड ही सेड, ही व्हाट सबलिमिनल्स, ही डायरेक्टली सेड टू अर्णब गोस्वामी, मेरी मौत करीब है पर मौत का डर नहीं, वो रब ने लिख ली है, पर तू किस बात का भूल जाएंगे, वो जिन्हें जैसे भूल गए शक्ल ओम पूरी की. होल्ड अप यार, मेरे एयरफोन्स ना, एक्चुअली मेरे जो दूसरे वाले एयरफोन्स थे ना यार, वो खराब हो गए. आई डोंट नो व्हाई वो खराब हो गए. इस गाने, इस एयरफोन्स में ना ट्रेबल बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से मुझे वोकल्स प्रॉपरली सुनाई नहीं देते, लाउड आ रहे हैं, तो मैंने थोड़ी वॉल्यूम कम कर दी. याद है एक चीज मुझे, क्या मेरे हरे झंडे से तकलीफ तुझे, अगर मुल्क देख के बोले खलीज मुझे, तो तू लगे हिंदुस्तानी भाऊ मरीज मुझे, जमीन से मुझे हिंदुस्तानी भाऊ. He talked about हिंदुस्तानी भाऊ. हिंदुस्तानी भाऊ भी बोलता है ना ऐसा काफी, आई थिंक सो उसने एक दो वीडियोज में बोला हुआ है. मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तानी भाऊ वही है, पर मैं पहले पूरी बार सुनता हूँ फिर देखता हूँ. मुझे क्या मेरे हरे झंडे से तकलीफ तुझे, अगर मुल्क देख के बोले खलीज मुझे, तो तू लगे हिंदुस्तानी भाऊ मरीज मुझे, जमीन से मुझे किसी के मसला नहीं, पला बड़ा पाक में हाथ में असला नहीं, हसना नहीं, पर बीजेपी के 30 करोड़ का गुलाम चला अर्णब गोस्वामी, समझता नहीं क्यों कोई दहशत गर्दों का नहीं, मुल्क कोई पेशावर में कितनी माए वो रोई, मेरे मुल्क को यार. सो मच फैक्ट्स ब्रो. ये चीज ना कई लोगों के लिए हजम करनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट यार इंडियंस की बात कर रहा हूँ, हमारे इंडियंस में से कई लोगों के लिए चीज हजम करनी मुश्किल हो सकती है. दे से वो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म को पाल रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म को फंड कर रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है. ब्रो डिड यू नो कि टेररिज्म से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान खुद है. वो उसने खुद, चैन के ने खुद बोला कि पड़ा बड़ा पाकिस्तान में लेकिन हाथ में असला नहीं. यार क्या लाइन थी यार, वो क्या लाइन थी कि मैं पला बड़ा पाकिस्तान में लेकिन मेरे हाथ में असला नहीं. ब्रो पाकिस्तान की इमेज एक टेररिस्ट वर्ल्ड के नाम से, पूरे वर्ल्ड टेररिस्ट कंट्री के नाम से पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है. एंड आई बिलीव कि यार जैसे उसने बोला सेम एग्जैक्ट लाइन कि दहशत गर्दों का, टेररिज्म का कोई मुल्क नहीं होता ब्रो, टेररिज्म का कोई मुल्क नहीं होता, कोई भी मुल्क नहीं होता. मैन कम ऑन यार, ऐसा नहीं कब बोल सकते यार तुम. ओ माय गॉड, आई कैन फील कि यार ये बंदा बहुत परेशान है, मतलब इस बंदे के दिल को हर्ट करती हैं ऐसी बातें, तभी ऐसा म्यूजिक निकलता, ऐसा म्यूजिक व्यूज के लिए नहीं निकलता ब्रो. टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रो, एज बींग मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे थोड़ा सा जितना मुझे पता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा मैच कर लेता हूं किसी आर्टिस्ट के साथ, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसा म्यूजिक व्यूज के लिए नहीं बनता. डिड यू नो हाउ मच कॉन्ट्रोवर्शियल दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इज, डिड यू नो हाउ मच इस गाने का रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, बट उसने इस चीज की टेंशन नहीं लिया ब्रो, ही इज नॉट डूइंग इट फॉर द व्यूज. और गाने में स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भाई लड़कियां नचाओ, कपड़े उतरवाओ तो व्यूज आ जाएंगे, बट ही इज नॉट डूइंग इट फॉर द व्यूज. एटलीस्ट दिस वीडियो इज नॉट फॉर द व्यूज ब्रो, बाकी मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट दिस वीडियो इज नॉट फॉर द व्यूज. समझता नहीं क्यों कोई दहशत गर्दों का नहीं, मुल्क कोई पेशावर में कितनी माए वो रोई, मेरे मुल्क को गालियां ना दो कोई, किलर भी तो अजाब था यहूदियों पे, क्या पूरा जर्मनी भरा दहशत गर्दों से, हमें भी दहशत होती है जब बम फटे, दहशत गर्दों की रूहें नाराज जिस्मों से, आवाज नीचे हम एक जमीन के, नजारा सोच जबरदस्त रंगीन ये, नबी पाक बैठे हो साथ नानक राम के, क्या एक दूसरे पे उठाते वो ईंटें, ठीक है भाई. यार ओ गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ नो 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 यार, चैन के नबी पाक अगर बैठे हुए साथ नानक के, तो क्या वो एक दूसरे पे उठाते. यार
Facts, bro. Yaar, man. Oh my god, yaar. This song is so real. This song is so real, bro. This song is so real, hands down. ये बात मेरे दिल को इतनी ज़्यादा छुई है ना, मैं बता नहीं सकता, guys. Just think about the line, यार. नबी पाक अगर बैठे हुए नानक के साथ, नबी पाक मतलब अल्लाह, अल्लाह पाक और नानक मतलब सिखों के गुरु, गुरु नानक देव जी. तो अगर वो दोनों आपस में बैठे होंगे तो क्या वो एक दूसरे पे ईट, यार come on guys. यार दिस सॉन्ग, ये गूज बम्स खड़े करने वाला गाना है यार. एक दूसरे पे उठाते वो ईंटे, दोबारा सुनते हैं यहाँ से थोड़ा सा. तो जबरदस्त रंगीन ये नबी पाक बैठे हो साथ नानक राम के, क्या एक दूसरे पे उठाते वो ईंटे. ठीक है भाई, नादर ये मुनाफत है, बिगाड़े लोग वो तू बोले नलायक में, वो खुलेआम करे गुना. तू बोले जाती है खरारुल हसन, जुर्म खोलने का आशक में, फहाशी में पैसा ज्यादा ये पोंगे, कमाऊ में इस्लाम के नाम पे, रंग दिल में तभी वो जबान पे, तर्जुमा पढ़ाने कुरान का जवान ने. Okay, I get that. थोड़ा सा लास्ट वाली लाइन मेरे थोड़े से पल्ले नहीं पड़ी क्योंकि वो थोड़े से उर्दू वर्ड थे. बट ही सेड कि लोग बोलते हैं कि चैन के इस्लाम के नाम पे कमारा, ब्रो नहीं, दिल में भगवान है तभी तो जुबान पे. फैक्ट्स ब्रो, ब्रो इन अदर वर्ड्स ही मीन कि मैं फेक नहीं कर रहा, इन अदर वर्ड्स ही मीन कि मैं ये व्यूज के लिए नहीं कर रहा, इन अदर वर्ड्स ही मीन कि मैं ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे दिल में भगवान है तभी तो वो जुबान पे है. ब्रो जिनके दिल में भगवान होता है जुबान पे ऑटोमेटिक, यार वेयर इज माई बिलीवर्स मैग्नेट आर. यार जो मेरे बिलीवर्स दोस्त है ना, उनको पता होगा ये बात, उन्होंने फील कर ली होगी ये बात, जो बिलीवर होते हैं ना लोग. ओ यार पाकिस्तानी और एस एस खा गई गांधी का हिंदुस्तानी, जो सच बोले हिंद में वो प्रो पाकिस्तान है, जो पाक में बोले सच वो रब को कुर्बान है. जो सच, जो क्या क्या थी वो लाइन, द वर्ड प्ले ही हैड, और एस एस खा गई गांधी का हिंदुस्तान, आर एस एस खा गई गांधी का इंद. ओ यार अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन ब्रो. यार चैन के चैन के इज लाइक दिस दिस दिस, आ जाओ मैं करूंगा रैप. ओ माय गॉड इतना बोल्ड है यार ये. खा गई गांधी का हिंदुस्तान, ये जो सच बोले हिंद में वो प्रो पाकिस्तान है, जो पाक में, समझ गया मैं, जो सच बोले हिंद में वो पाकिस्तान है. अगेन स्किट के साथ इसको रेफरेंस करो, जब उसने एसकेडी को रोक दिया था, बोला था पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान. अगर कोई सपोर्टर पाकिस्तान का इंडिया में सच बोले तो लोग उस पर इम्पोज करते हैं कि ये पाकिस्तान. ओ माय गॉड यार, और जो पाकिस्तान में सच बोले वो कुर्बान है. बोले सच को रब को कुर्बान है, अगर घर पर आए तो पनीरा, कलमा पढ़कर जिस्म हो तो पनीरा, आग जमजम छिड़क दी चादर पे, आंसू तेरे गिरे कब्र पे ना. कलमा अगर घर पर आए तो पनीरा, कलमा पढ़कर जिस्म हो तो पनीरा, सच में मरना जिहाद शहादत है, आंसू तेरे गिरे कब्र पे ना. कश्मीर सिर्फ कश्मीरों का, कश्मीर फॉर कश्मीरी, सच में मरना जिहाद शहादत है, आंसू गिरे तेरे कब्र में ना. यार दिस सॉन्ग इज टू रियल फॉर द सोसाइटी. I don't know what to say, how to say, but this song is so much real for the society. This soft ass people, like the jo aaj ki soft generation hai bro, Chen K unke liye nahi bana, wo aise gana ko handle nahi kar sakti. They already gonna choose sides, they already gonna pick sides. Mujhe bhi hate milti hai is cheez ke bare mein, but bro I have to stick with the facts. Not even facts, I have to stick with the realness, जो truth है. मैं reactions नहीं भी कर रहा था, मैं चैन के गाने नहीं भी सुन रहा था, तब भी मेरे mind में ये चीज़ें थी, ये views थे. And अगर आपके मन में चैन के को सुनने के बाद ये views पैदा हुए तो उसमें भी क्या गलत है यार, उसका काम ही यही है, उसका काम यही तो उसने कोशिश करी है कि अपने गाने में सच्चाई लाकर लोगों तक पहुँचाई जाए. एंड इस पूरे गाने का अगर आप थीम निकालोगे ना, वो एक ही थीम है ना, इंडिया पाकिस्तान, ना पाकिस्तान इंडिया, ना पाकिस्तान पाकिस्तान, ना इंडिया इंडिया, ओनली अपनी अपना रखो और एट द सेम टाइम भड़काओ मत एक दूसरे को. कश्मीर के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है. आई थिंक सो उसने एट द एंड ये बात कर दी कि कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर कश्मीरियों का है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि उस टॉपिक पे मैं क्या बोलूं कि कश्मीर
इंडिया से बिलोंग करता है या पाकिस्तान से, बट एज पर जो वो बातें हैं कि जब डिवाइडेशन हुई थी तो ऑब्वियसली बात है कश्मीर इंडिया के पास ही आया था, बट आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो हाउ व्हाट टू से ऑन दैट टॉपिक, बट दिस सॉन्ग इज सो इनसेन गाइस. So let me know how you felt about this reaction. If you enjoyed it, leave a like for your boy. And till then, take care of your health. Bye bye. New viewers, subscribe to this channel. Bye bye. Can.